करते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स। चार्ट्स मतलब चार्ट इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आज की सेशन में, कि एक्सेल के अंदर में वीवी के थ्रू हम चार्ट कैसे करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम यूजर फॉर्म के टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं और चार्ट्स की तरफ, ठीक है। और आप लोग एलिजिबल हो गए हैं किसी तरह की प्रोग्रामिंग करने का, तो आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी मुझे मेल कीजिएगा या क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो अगर चार्ट्स के ऊपर हेल्प चाहिए आपको, तो जो बुक्स मैंने आपको दी है उस बुक के पेज नंबर 583 से चार्ट्स स्टार्ट है, वर्किंग विथ चार्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम चार्ट लगाएंगे कैसे, राइट। अगर हमारे पास सर चार्ट है तो इंसर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए डेटा है, इस डेटा है मुझे, मान लीजिए कॉलम चार्ट या पाई चार्ट अगर मुझे ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहला फिगर है, तो इसके देखिए चार्ट जब ऐड करते हैं उसके दो पार्ट होता है, पहला ऐड करना और दूसरा उसकी एड्रेस को सेट करना, समझे। तो दो अलग-अलग इसके वर्क होते हैं। तो चलिए वही आपको मैं समझाता हूं। फिर ऊपर चार्ट्स के ऊपर होने वाले कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम इंसर्ट मॉड्यूल्स पे जाते हैं। सब्जेक्ट आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हम बात करते हैं चार्ट्स की। तो जैसे कि हमने यहां पे किया कि जो सीट का नेम है सीट वन, तो शीट वन डॉट यहां पे होता है सेप्स। चार्ट जो होता है चार्ट या पिवट, वो सारे सेप्स के पार्ट होते हैं। सेप्स डॉट एड चार्ट टू। अब एड चार्ट टू होता है तो उसमें आपको यहां पे सबसे रहता है स्टाइल, कि चार्ट का स्टाइल क्या है। तो मैंने यहां पे दिया कि भाई इसका चार्ट 201, फिर चार्ट का टाइप क्या है, चार्ट का आपका टाइप क्या है। तो अगर टाइप ना भी करे, ए स्टाइल ना भी दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को लेकर छोड़ दें तो देखेंगे कि आपका यहां पे डिफॉल्ट जो चार्ट है वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप इसको सिलेक्ट जरूर कर दीजिएगा, क्यों, कि सिलेक्ट करेंगे तो फिर नीचे इस पे हम काम कर सकते हैं, सिलेक्शन बन जाती है तो सिलेक्ट काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे फिर कि एक्टिव चार्ट डॉट, मान लीजिए कि इस पे हम की स्टाइल करना है, तो यहां पे एक्टिव चार्ट डॉट आप करते हैं चार्ट टाइप। सर बिना डेटा सेलेक्ट करिए चार्ट कैसे बन गया? कर्सर था इसलिए अच्छा कहीं और रखेंगे तो नहीं बनेगा। नहीं, उसका तरीका है बताता हूं आपको मैं। चार्ट टाइप इक्वल टू, अभी देखिए कि जब हम यहां चार्ट इंसर्ट किए थे ना, यहां बताता हूं आपको, जब मैंने चार्ट इंसर्ट किया था इसमें देना था चार्ट की स्टाइल, चार्ट टाइप्स, ये चीज देनी थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे हमें मैनुअली लिखना पड़ता है और जनरली हम चार्ट के नाम को भूल जाते हैं। तो नीचे जो है हम यहाँ पे हम लगाते हैं कि भाई एक्टिव चार्ट जो चार्ट टाइप, और अपने हिसाब से चार्ट सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा चार्ट हमें चाहिए। देख रहे हैं, तो हमें चाहिए कॉलम कर्सर, कॉलम कर्सर हमने कर लिया। और दूसरा चीज है, जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा कि डेटा हमारा यहां पे था इसलिए चार्ट लग के आ गया, लेकिन कल के डेट में ऐसा हो सकता है कि डेटा हमारा यहां पे चार्ट कर्सर यहां पे ना हो, तो उस केस में हम एक इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद नीचे जो लिखेंगे एक्टिव चार्ट डॉट सेट, लिया है स्पेलिंग सही है ना, एक्टिव, अच्छा हाँ स्पेलिंग गड़बड़ है, चार्ट डॉट सेट।
सोर्स डेटा, नीचे आ रहा है ना आपका कि सेट सोर्स डेटा। तो यहां पे सोर्स डेटा में आप अपना सोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी सोर्स आपका हो, रेंज जो भी आपका हो वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए कि रेंज ए आपका A1 से B9, A1 से B9 ये अपना सोर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सर कोई वेरिएबल पे अगर कोई रेंज स्टोर कर दिया उसको भी यहाँ दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉर्मली हम जो चार्ट इंसर्ट करते हैं वो यहीं पे इसी का पर्पस होता है, ठीक है सर। तो बीवीए के थ्रू आप चार्ट इंसर्ट करना सीख गए, सर यहाँ एक्टिव चार्ट क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि एक्टिव चार्ट नहीं लगाएंगे तो फिर मुझे चार्ट का नाम देना पड़ेगा, हर चार्ट का एक नाम होता है, सिलेक्ट कीजिए ना चार्ट वन होता है तो फिर चार्ट का नेम देना पड़ेगा आपको। हेलो, चार्ट टू दे दें अगर एक्टिव से। हाँ जी सर, आपको मैंने बोला था कंप्यूटर ऑडियो सिलेक्ट करने के लिए, आपने टेलीफोन सिलेक्ट कर रखा है, तो कैसे? नहीं नहीं सर, टेलीफोन है, देखिए सही से देखिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए, कंप्यूटर ऑडियो नहीं टेलीफोन का सिंबल बना हुआ है, कंप्यूटर ऑडियो पर आपने क्लिक किया है तो कंप्यूटर ऑडियो को भी ले नहीं रहा है वो, किसी और ब्राउजर से देखिए ट्राई करके। तो मतलब कि एक्टिव चार्ट लिखने का पर्पस ये है कि भाई अगर हम सेल्स सोर्स चेंज कर रहे हैं, विकास जी आप एक अजीब सा सवाल आपने पूछ दिया यहाँ पे कि अगर आपने चार्ट का ऑब्जेक्ट का बताना तो पड़ेगा कि भाई किसका रेंज सेट कर रहा है, अगर जरूरी नहीं कि सीट में एक ही चार्ट हो, हजारों चार्ट हो सकते हैं ना। तो हमने ऊपर यहाँ लिखाया कि सीट वन डॉट एड डॉट एड चार्ट टू सिलेक्ट, तो इस चार्ट सिलेक्शन बना हुआ है क्या? तो एक एड्रेस तो देना पड़े ना ऑब्जेक्ट का नेम, कहाँ लगाएगा चार्ट? ठीक है सर। तो सर जैसे इसमें अगर पाई चार्ट लगाना हो तो मेरे को ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया। तो यही पे हमने बताया ना आपको चार्ट टाइप, यहाँ पे चार्ट टाइप सिलेक्ट करो ना, एक्सेल कॉलम कर्सर के जगह पे एक्सेल लाइन चार्ट, पाई चार्ट, चार्ट का लिस्ट आपने नहीं देखा था? ओके ओके सर, ओके ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि मान लीजिए जो चार्ट हमने लगाया, अब चार्ट पहले से लगा है और मुझे इसका टाइटल चेंज करना है, मुझे इसका टाइटल चेंज करना है तो इसके लिए क्या कोड होगा, चलिए हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे लिखेंगे हम कि वर्कशीट या जो भी है सीट वन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसमें हम देंगे उसका सीरियल नंबर 1.chart, चार्ट डॉट चार्ट टाइटल, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हम यहां पर दे देते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट, अब इसको रन कीजिए। सॉरी, एक नाम के दो मैक्रो नहीं हो सकते हैं, यहां पे इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, हो गया। अब लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि इसमें एक और चार्ट हम कर देते हैं इंसर्ट, सपोज दैट कि मैंने पहले वाले मैक्रो को रन करके एक और चार्ट हमने बना दिया, दो चार्ट हो गए। तो अब कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए इसका टाइटल मैं मैनुअल चेंज कर देता हूं, सेल्स,
अब मैं इसको रन करूंगा तो कौन से चार्ट की चेंज होगा टाइटल। तो इसको मैंने रन किया तो देखिए इसका चेंज हुआ। हुआ है? इसका चेंज क्यों नहीं हुआ? इसका चेंज कब होगा? जब मैं इसको वन को जगह टू कर दूंगा, अब मैं इसको रन करूंगा तो फिर इसका चेंज होगा। तो जब आपको चार्ट का नेम ना पता हो तो उसके सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल कर सकते हो। सर इसको डायनेमिक बना सकते हैं क्या, जैसे 1 2 है इस टाइप का जैसे कुछ? कि 10 चार्ट है तो लूप लग देख लीजिए कि कितने चार्ट है, उसमें लूप लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो सर जहां पर ये 2 है वहां पर जो भी लूप का वेरिया वो भी आएगा, जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो पुट कर देंगे, जैसे आई हो गया जो भी आए। हाँ सर, यहाँ पे अपने सीट 1 लिया हुआ है, अगर पूरे वर्कबुक के अलग अलग सीट में चार्ट होगा तब क्या करेंगे? तो अलग अलग वर्कशीट पे जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। एक बार में सर को नहीं कॉल कर सकते? कैसे करें, वन बाय वन ही चलता है ना। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चार्ट को करना, कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम चार्ट को कैसे करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चलिए कि सब्जेक्ट देते हैं यहां पे आर आर ब्रैकेट ओपन, आर आर टू करना पड़ेगा ना, टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे कि डिम एमसी, मतलब कि एमसीएच कर दीजिए, एमसी कर दीजिए, एम चार्ट एज ए चार्ट। ठीक है, और फिर हम करते हैं डिम आर एज ए रेंज। ठीक है, और फिर हम सेट करते हैं कि सेट आर इक्वल टू बी वन से, सॉरी ए वन से बी नाइन। तो रेंज ए वन से बी नाइन, आपने बोला था ना सर किसी ने कि ऑब्जेक्ट के थ्रू दे सकते हैं, तो यहां पे मैंने क्यों बोल दिया। अब एम सी मतलब चार्ट, तो यहां पे सिर्फ सेट किया एम सी इक्वल टू, यहां होगा एक्स सीट या सीट वन या जो भी सीट का कॉलिंग मेथड है वो सिलेक्ट कीजिए, और यहां हो जाएगा आपका सैप्स, क्योंकि सैप्स के अंदर आता है डॉट एड चार्ट या एड चार्ट टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट चार्ट। ठीक है, ये ये चार्ट हो दोनों कौन होगा, जी। ऐड चार्ट या ऐड चार्ट टू, दोनों का कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा तभी तो ये दिया होगा। नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है सर, उसका अलग एक एल्गोरिदम है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। डॉट सेट एम सी डॉट सेट सोर्स, सॉरी सेट सोर्स डेटा इक्वल टू, यहाँ स्पेस मार के आप यहाँ आर कर दीजिए। तो वेरिएबल लेने के बाद क्या होगा, अब एम सी के ऊपर में ये भी कर सकते हो कि एम सी डॉट चार्ट टाइप इक्वल टू, आप बोलते कि इसका चार्ट टाइप जो है वो 3D कॉलम होना चाहिए। फिर एम सी डॉट चार्ट टाइटल इक्वल टू टाइटल दे दिए कि डेली सेल्स डॉट एम सी, यहां पे एम सी डॉट चार्ट स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर देना होता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ट्स आप लेते हो, चार्ट का एक स्टाइल है, डिजाइन में जाते हैं ना यहाँ पे, तो चार्ट स्टाइल है और स्टाइल का एक नंबर होता है, स्टाइल 1 2 3 इस तरह से, तो उसका एक कोड होता है। जैसे कि हमने बोला कि भाई ए स्टाइल है तो स्टाइल 13। तो हमने 13 कर दिया, या 13 करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे चार्ट स्टाइल में। ये 13 जगह देख लेते हैं, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है।
ठीक है, अब इसको रन कर दे, ये दोनों चार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डॉट टेक्स्ट होगा ना, माफ कीजिएगा, और टेक्स्ट होगा तो इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, इक्वल लगेगा। देख रहे हैं? और तीसरा नंबर चार्ट देख रहे हैं? 1 2 तीसरा नंबर चार्ट लिया है, तो इसमें 13 नहीं था। सर बोलिए, सर ये सेट क्यों लगा रहे हैं यहां पर? सेट क्या कर रहा है मतलब? देखिए जब डेटा टाइप ही, देखिए क्या करें विकास जी, आपका याद तो कुछ रहता नहीं। हमने बताया था आपको ना कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम इक्वल करते हैं, जब ये होता है आपका डेटा होता है तो इक्वल करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम सेट करते हैं। रेंज के लिए हमने सेट किया था ना, याद होगा आपको, जो शुरुआत में पढ़ाया था मैंने आपको डेटा टाइप, हाँ जी सर, तो ऑब्जेक्ट के लिए सेट करना होता है, इक्वल नहीं होता। जैसे इंटीजर स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होते हैं उसके लिए भी इक्वल करते हैं, जैसे आर एज सेट के इंटीजर लिए। कर दिया तो आर इक्वल टू 500 कर देंगे, लेकिन आर एज ए रेंज किया तो सेट आर इक्वल टू फिर उस रेंज का नाम देना होगा। ठीक है सर, ठीक है, तो चार्ट को ऐड करना सीखा, चार्ट को मॉडिफाई करना सीखा, चार्ट की टाइप चेंज करना सीखा, और आप डेटा टाइप के ऊपर में वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो चार्ट्स हैं वो आपने चार्ट्स को करना सीखा, राइट? ये जो चार्ट आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना सर, ये चार्ट, इसको बोलते हैं एम्बेड चार्ट। एम्बेड चार्ट मतलब क्या हुआ कि आपका एक चार्ट बना, वो आपका इस पे बना, क्या बोलते हैं, एक एक्सेल पे एम्बेड हुआ, इसको एम्बेड बोलते हैं कि आपके सेम शीट पे एज ए ऑब्जेक्ट एम्बेड हुआ है। लेकिन अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं शीट पे, एक चार्ट शीट भी होता है, तो चलिए हम आपको चार्ट शीट के बारे में बताते हैं। आर आर अंडरस्कोर 3 बाय, एक हमारे पास चार्ट सीट होता है, तो उसके लिए हम बताते हैं, यहां पे हम लिखेंगे सेम डिम एमसी एज ए चार्ट, और डिम आर एज ए रेंज, और हम सेट आर इक्वल टू हमने कर दिया रेंज A1 से B9, और फिर हम यहां कर रहे हैं सेट एम सी इक्वल टू चार्ट्स डॉट एड। तो अब सेट्स को लेने की जरूरत नहीं है, चार्ट्स डॉट एड कर दीजिए, और फिर एम सी इक्वल टू, नहीं माफ कीजिएगा, MC डॉट सेट्स का मतलब कि सेट सोर्स डेटा इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ पे स्पेस देके R कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पे चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं कि MC इक्वल टू चार्ट टाइप इक्वल टू अपना जो चार्ट है आपका, वो चार्ट ले लीजिए आगे कॉलम कलर से। अब इससे क्या होगा पता है, एक नई सीट में चार्ट खुलेगा, इसको रन कीजिए यहां से, तो इसको बोलते हैं चार्ट सीट, कि आपकी एक अलग सीट में आपका चार्ट डाल के दिया। मिलाया आप लोगों को एक और, हेलो हाँ बोलिए। सर, ये
एक बार थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे इसको दोबारा से, ये हमने जब समझ नहीं आ रहा सर। देखिए इसमें हमने किया कि सेट एम सी इक्वल टू चार्ट, हमने एमसीओ क्या माना है, चार्ट माना है ऊपर। तो हमने बोला कि चार्ट डॉट एड, मतलब कि अगर एक चलिए एम्बेड छोड़िए ऊपर ही चलिए जो समझ में आ रहा था आपको, तो हमने यहाँ पे लिखा था सीट वन डॉट सैफ डॉट एड चार्ट टू डॉट, ये किया था ना। यस तो सर। अगर हम सिर्फ एक्टिव सीट डॉट एड चार्ट कर दें, सिर्फ एड चार्ट चार्ट डॉट एड कर दें, तो ये क्या होगा, आपका एक अलग सीट में चार्ट बना देगा। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, पहला जो कि चार्ट्स मान चार्ट्स का है, दूसरा हमने वेरिएबल लिया रेंज का। हमने यहाँ पे रेंज को सेट किया और यहाँ पे मैंने बोला कि माय चार्ट इक्वल टू चार्ट्स डॉट एड, और हमने उसकी सोर्स को किया, अगर चार्ट ऐड है तो कहीं कहीं डेटा सोर्स तो होना चाहिए ना, डेटा सोर्स हमने ऐड किया। और फिर चार्ट कैसा होना चाहिए, डिफॉल्ट चार्ट जो कॉलम होता है वो होना चाहिए, या फिर आपका कोई स्पेशली है तो आप डिफाइन कर लीजिए। एक्टिव शीट में सर वही बना देगा, और अगर वह एक्टिव शीट नहीं लगाएंगे तो फिर ये अलग शीट में बना देगा। हाँ नहीं यार, अगर हम सेप्स के अकॉर्डिंग जाते हैं तो चार्ट सीट पे ही बनाएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट डॉट ऐड करते हैं तो नया चार्ट बनाएगा। तो ठीक है सर, ठीक है ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो चार्ट क्रिएट करना है, चार्ट को मॉडिफाई करना, सीख गए आप लोग? अब मान लीजिए कि मुझे अगर चार्ट को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी सीखना जरूरी है। तो चार्ट को डिलीट करने के लिए कोड यहां पे होता है कि एक्टिव सीट या सीट वन जो भी है, सीट वन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट, डॉट डिलीट। या एस ए क्या करेगा, चार्ट ही नहीं है, एक चार्ट इंसर्ट करते हैं। माइक्रोनेम चेंज होगा सर, चेंज होगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है, डिलीट होता है, और माइक्रोनेम टू थ्री की जगह फोर हो जाएगा, तो आपको चार्ट को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए दो चार्ट होगा तब क्या होगा, मैं दो चार्ट इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, इसी चार्ट की कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल दबाइए और इसको मूव कीजिए, ऑल्ट होता है ऑल्ट नहीं, कंट्रोल से होता है कुछ नहीं होता है, कॉपी कंट्रोल ऑल्ट से जाता तो नहीं होता है, और हमें दीजिए कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिलीट करता हूँ। तो अगर आपको सीट के जितने भी चार्ट है सारे चार्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आप सीट वन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट। तो पूरे सीट के चार्ट डिलीट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे कोई पर्टिकुलर चार्ट का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मुझे मान लो कि एक पर्टिकुलर चार्ट को डिलीट करना है तो यहां इंसर्टिंग द चार्ट नंबर, समझे, यहां भी ऊपर जो मैंने बताया था बताया ना आपको मैंने। तो अगर चार्ट का नंबर ऐड करोगे तो नंबर के हिसाब से ऐड डिलीट करेगा, नहीं तो पूरा कर देगा।
लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें चार्ट का नंबर हो सकता है ना पता हो, क्योंकि नंबर बाहर दिखता नहीं है, लेकिन बाहर दिखता है चार्ट का नेम। जैसे कोई चार्ट आपने बना रखा है तो उसका नेम दिखेगा आपको, यहाँ नेम दिखता है चार्ट 7 है। तो बाय नेम कैसे रीड करोगे आप? तो बाय नेम डिलीट करने के लिए होता है, जैसे एक्टिव सीट, सीट वन, सीट जो भी सीट के कॉलिंग में था वो लीजिए, सैप्स, सैप्स, और सैप्स के अंदर में आप अपना चार्ट का नेम दें। चार्ट 1 2 3 जो भी करना है तो डॉट। सेव के अंदर कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं, चार्ट हो या कुछ भी, पिक्चर वगैरह। हाँ एचिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? तो इसके जो बुक्स मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, उस बुक्स के चार्ट के इसको पढ़िए सर, फिर। ये जो सारा है वो उसी बुक के अंदर है ना जो हम पढ़ रहे हैं हाँ इसमें? कुछ है, कुछ बुक्स से ले रखा है, कुछ मैंने मैनुअली बना रखा है, हाँ कुछ मोस्टली भूल जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पढ़ाएंगे क्या आगे? हाँ, इसके अलावा चार्ट की एक और क्लास होगी जिसमें हम आपको चार्ट के इवेंट्स बताएंगे, जैसे कर्सर रखने के चार्ट 100 हो, चार्ट 900 हो, या और भी जो चार्ट से रिलेटेड ट्रिक्स है, जैसे कि मूविंग करना, ये सब जो चीज ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स हम आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। नहीं सर, यूजर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे लॉगिन पेज वगैरह कैसे बनाते हैं वो सब नहीं बताया। अच्छा, लॉगिन पेज मैंने शुरू में बताया था, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था लॉगिन पेज सर। यूजर फॉर्म तो शुरू से पढ़ रहा हूँ, लॉगिन पासवर्ड लॉगिन नहीं ऐसा नहीं कुछ। सर, लॉगिन पेज तो नहीं पता है सर, वो जैसे कीवर्ड डालते हैं, अपना पासवर्ड डालेंगे जब ही लॉगिन होगा। सर ही तो आप लोगों को याद नहीं है, सबसे पहली जो यूजर फॉर्म की क्लास थी उसमें, और इससे रिलेटेड यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी दिया हुआ है, आप लोगों की नहीं क्लास करवाया सर आपने। सर। मैंने बोला ना बाकी चीज भूल जाता हूँ मैं, एक्स्ट्रा नहीं सर भूलता।